तो गैस यूपी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है। इससे पहले भी एक वैकेंसी आई थी, एक वैकेंसी ये है, एक वैकेंसी और भी है जो मैं जस्ट 10-15 मिनट बाद ये भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो बच्चे के दिल में एक ज़रूर क्वेश्चन बनता है, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम डेट, सैलरी, सिलेबस एंड मेनी टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। और आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जस्ट जो यूपी उत्तर प्रदेश में जॉब लग जाने के बाद कंटेंट का उसका कौन सा काम होता है, क्या काम करवाया जाता है, मैं आप लोग के ऊपर ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। दूसरी है प्रीवियस ईयर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग के लिए मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जुड़ जाइएगा, काफ़ी सारे आपके नौ मित्र मिलेंगे, वहाँ भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्टेंट का वैकेंसी के लिए। सो 10+2 एलिजिबिलिटी है, ठीक है, बेसिकली। सो गैस फॉर्म आपका जो स्टार्ट होने वाले हैं ये 31/7/2020 को स्टार्ट हो जाएगा और 14/9/2020 तक ये फॉर्म चलेगा। अगर आप लोग जनरल ओबीसी में आ जाते हैं तो EWB 300 रुपया लगेगा और ST SC में है तो 150 रुपया लगेगा गैस, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, अगर आप लोग उत्तराखंड के अलावा आप UP से हैं या कोई अदर स्टेट से हैं तो आप लोगों को 300 रुपया ही लगेगा, ठीक है। और जो प्रिफ्रेंस है बाकी सारे बच्चे को यूनिफॉर्म UK वाले बच्चे को मिलेगा, ठीक है। गैस एज लिमिट का बात करें, जो आपका क्वालिफिकेशन है इंटर 1/7/2019 तक हो जाना चाहिए, 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए, 42 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए, ठीक है। 142 टोटल वैकेंसी है, सो डोंट वरी, वैकेंसी कितना भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है ना। वैकेंसी तो वैकेंसी है क्योंकि आप लोगों को एक सीट क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये कॉन्टेंट बेसिस पे आपका जॉब लगेगा, ठीक है। और मैं आप लोग का इसका भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, कल ही वीडियो में, कि 10+2 इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए विथ कॉमर्स से, वो कॉमर्स वाले बच्चे ही इसमें एलिजिबल है, ठीक है। सो अगर आपके पास कॉमर्स नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, आगे वाला वीडियो देखिएगा, शायद आप लोग के लिए एलिजिबिलिटी है, उसमें भी स्टेनोग्राफी 400 की, मतलब आपको जो टाइपिंग वगैरह इसमें मांगेगा, सो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आते हैं। सो कुछ ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग बोलिएगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। सो आप लोग ऑफिशियल टेलीग्राम पे आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। सो कुछ ये आप लोग का, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। जो काम का चीज़ें मैं वो आप लोग को कवर कराने की कोशिश करूँगा, जो फालतू चीज़ें मैं उस चीज़ को आप लोग को नहीं बताऊँगा, ठीक है। सो बाकी अगर आप लोग को इतना ही पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, या ग्रुप में बच्चे हैं वहाँ भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, ये आपका वेतन है, ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वेतन है आपका। वेतन 21,000 से लेकर आपका 69, मतलब 70,000 लेवल 3 के अनुसार आप लोग को वेतन मिलेगा, जो भी अलाउंसेस है वो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और कुछ ये आप लोग हैं लिखित परीक्षा है, सो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अगर जनरल सेलेक्शन के अंदर आते हैं तो 45% आप लोग को यहाँ पे, आप लोग देखिए स्क्रीन पे, आपका एग्ज़ाम होगा, 100 अंक का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, विल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो जाहिर सी बात है जो कंपटीशन एग्ज़ाम है जैसा होता है, ठीक है, वो कुछ होगा। और आपका इसके बाद क्वालिफिकेशन तो मैंने बता ही दिया था, उसके बाद आप लोग का जो मिनिमम आपका एग्ज़ाम के बाद, देखिए आपका सैलरी बता दिया, एग्ज़ाम बता दिया, उसके बाद जो है तो है कि आप लोग कि जनरल वाले हैं तो 45%, OBC वाले इतना परसेंट, तो इस चीज़ को आप लोग भूल जाइए, क्योंकि बच्चा को उस पर सिलेक्ट करता है कि जिसका ज़्यादा नंबर होता है ना उस परसेंट वाले बच्चा को सिलेक्शन करता है, ठीक है। हम गाइस बात करें, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, आपका निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 1/4 होगा, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक बात है, इसे आप लोग जानते हैं। OMR sheet पे होगा, मतलब कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, इट्स नॉट ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। कुछ आयु के बारे में बात किया है, एक तब आपका जो एक आयु का जो गणन होगा, 1 जुलाई 2019 से लेकर आपका मतलब 18 साल पूर्ण जाना चाहिए, ठीक है। कुछ ये है और मेरे ख्याल से और कुछ इसमें खास नहीं है। सैलरी बेटा मैं आपको एग्ज़ाम डेट भी बताता हूँ, मेंशन करता हूँ, पहले आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो देख लूँ क्या कैसे हैं, ठीक है। और कुछ तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है खास, ठीक है। सो ये फॉर्म का पैसा है, ठीक है, जिसे आप लोग नॉर्मल है, इस चीज़ को आप लोग जानते ही होंगे भले भांति से। और हाँ देखो वैसे और कुछ नहीं था, बिकॉज मैं आपको बता दूँ कि जब भी सिलेबस इसका हम बात करें, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम डेट बात करें, पहले हम एग्ज़ाम सिलेबस का बात करें, मैंने एक वीडियो कवर किया था, ठीक है, UK SSC के लिए जो सिलेबस है, जनरली जो सिलेबस है आपका, ठीक है, वही सिलेबस है, इससे पहले मैंने एक वीडियो कवर किया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पे एक ब्रीफली के तौर पे मैंने सारा सिलेबस कवर कर चुका हूँ। दूसरी बात है, अगर आप लोग नहीं जानना चाहते, जानना चाहते तो जान जाइए, सिलेबस में क्या क्या आपका होगा, GK 100% होगा, प्लस UK का UK SSC का GK आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा,
यूके का जीके आप लोग एटलीस्ट इसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका करेंट अफेयर भी पढ़ लीजिएगा, बाकी जीके और जीएस जो होता है वो पढ़ लीजिएगा, मैथ पढ़ लीजिएगा ठीक है। और मैथ के बाद आप लोग को जो कवर करना है ठीक है, मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग कवर कर लेना है ठीक है, और हिंदी कवर करना है। इंग्लिश मे बी इस एग्ज़ाम में होना तो चाहिए बट मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे देखना पड़ेगा, तो सो मैं आप लोगों को बता दूंगा टेलीग्राम पे। और आपका एग्ज़ाम एटलीस्ट 3 मंथ के बाद होगा, 3 मंथ से इससे पहले कभी हो नहीं सकता है क्योंकि आपका पुराना एग्ज़ाम रुका हुआ है, तो ये एग्ज़ाम के लिए आपको 3 मंथ का समय है, आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ से पहले नहीं होगा, 3 मंथ के बाद होगा ठीक है। सो गाइस कुछ यही था आपका, सैलरी मैंने डिस्कशन कर दिया, एग्ज़ाम डेट डिस्कशन कर दिया ठीक है, आपका सिलेबस भी बता ही दिया क्या क्या सिलेबस है। अब ब्रीफली मैं सिलेबस देखना चाहते कि मैं एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक बताऊँ, सो आप लोग मुझे कमेंट भी कर देना, नहीं तो मैं स्पेशली बना दूंगा, नहीं तो आप लोग जाके वहाँ पे मेरा पुराना एक वीडियो है, मैंने वहाँ पे डिस्कशन कर चुका हूँ ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाए। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।